स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सीएम ने इंदिरा को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष दिवंगत इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदयेश के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री वंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। कुछ ही देर में इंदिरा प्रदेश के पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम ले जाया गया, जहां आमजन उनके अंतिम दर्शन करेंगे। दोपहर 12 बजे रानीबाग स्थित चित्रशीला घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। इंदिरा हृदयेश जी का जाना प्रदेश के लिए बहुत क्षति है और हमें बड़ा दुख है। इंदिरा जी का जिस प्रकार का व्यक्तित्व था और जिस तरह से वो उत्तराखंड के लिए विकास के लिए लड़ती थी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के उनकी सोच थी। उत्तर प्रदेश के अंदर जब वो सदन में थे, विधान परिषद के अंदर, तो मुझे भी सौभाग्य उनके साथ में रहने का मिला और वहाँ वो हमारा हौसला बुलंद करती थी। छोटे भाई के रूप में वो मानती थी, दीदी के रूप में, और उनसे बार बार मार्गदर्शन लिया करते थे। और वो उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी एक स्थान रखती थी, तो स्वाभाविक है कि उनका जाना एक क्षति है। और अभी भी 4 दिन पहले मेरी फ़ोन में बात हुई थी कई कोविड के मुद्दों पर, और इस बीच में ये कह सकता हूँ कि इस 1-1.5 महीने के अंदर मेरी 10-12 बार उनसे फ़ोन में, 2 बार वर्चुअल में, जब सर्वदलीय बैठक मैंने बुलाई थी कोविड के समय, तो उस समय जुड़ना, और उनके जो सुझाव थे वो प्रदेश के हित में और कोविड के तहत, तो उन्हें हमने इंगित किया।